जब घर में सामग्री ना हो तो हमें खाने का कुछ अच्छा मन करता है, तो घर की सामग्री से हम बनाने वाले एक कप गेहूं के आटे का क्रिस्पी नाश्ता। रिजल्ट देख रहे हो दोस्तों, एकदम क्रिस्पी और अंदर से रूई जैसे सॉफ्ट है। हाँ दोस्तों, आप समोसा खारी या वड़ा पाव खाना पसंद करते हो तो एक बार ये रेसिपी जरूर घर पे बनाए और हमें कमेंट करके जरूर बताए। बहुत ही बढ़िया बन जाता है और कम सामान में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलो भी ज्यादा बातें करते नहीं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, चैनल पे आप हमारे नए हो गए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। अब यहाँ पे एक बाउल ले लेते हैं। बाउल के अंदर हमने लेना है 1.5 कप जितना घी का आटा। इसे हमने पहले ही छान कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं डाल देती हूँ और आधा कप बचा के रख लेती हूँ। देख सकते हो इतना। अब यहाँ पे डालेंगे एक नया टेस्ट आने के लिए, यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच जितनी सूजी और 1 चम्मच में बचा के रखू। यहाँ पे टोटल मैंने 2 चम्मच सूजी ली थी और 1 चम्मच इसमें डाली और 1 चम्मच रख लिया है। अब यहाँ पे जाएगा स्वाद अनुसार नमक। अब इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, छोटा वाला चम्मच यूज करना है। अब इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, आप देख सकते हो। हाँ दोस्तों, हम जो डो बना रहे हैं तो यहाँ पे बहुत कम सामग्री लगती है। इतनी सामग्री से आप बनाओगे ना तो आपकी जो वड़े बहुत ही बढ़िया लगेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना लेते हैं टाइट सा। अब यहाँ पे हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो एकदम टाइट सा। हाँ दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगी, यदि आपके आप जो रोटी हम बनाते हैं उसमें जो आटा बच जाते हैं यानी कि डो, तो आप उससे भी ये रेसिपी बना सकते हो। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के सेट होने को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमने जो आटा बचा के रखा था वो ले लेना है। अब यहाँ पे लेना है 1 चम्मच जितनी सूजी, मैंने आपको पहले ही बोला था 2 चम्मच सूजी लेना है, 1 चम्मच डो में डाला और 1 चम्मच इसमें डालना है। अब यहाँ पे डालेंगे 1/4 चम्मच जितनी हल्दी, थोड़ी डालनी, ज्यादा हल्दी ना डालें। अब यहाँ पे जाएगा 1 चम्मच जितनी चिल्ली फ्लेक्स, ये सूखी वाली मिर्च होती है दोस्तों, इसे मिक्सर के जार में दरदरा पीस लेना है, इसे चिल्ली फ्लेक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे क्रंच के लिए और एक टेस्टी के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच जितनी तेल, तेल डालने जो स्वाद एक नंबर लगता है, तो यहाँ पे तेल डालनी है। अब यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच जितनी अजवाइन, अजवाइन को क्रश करके डालें, फ्लेवर अच्छा आता है। हाँ दोस्तों, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे आप हमारे नए होंगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। अब यहाँ पे डाल के स्वाद अनुसार नमक। अब इसी के साथ जाएगा कटा हुआ धनिया। अब यहाँ पे ले लेते हैं पानी और इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार कर ले, ज्यादा पतला भी करना है और ज्यादा गाढ़ा भी करना है, मीडियम बैटर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने गेहूं के आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से हमारा घोल बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे हमने ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा गाढ़ा भी किया नहीं, एकदम मीडियम साइज में ये घोल बनकर तैयार हो जाता है, परफेक्ट। अब इसे कर लेते साइड और करते के मेन प्रोसेस। अब यहाँ पे 2 आलू लेने उबले हुए। हाँ दोस्तों, इसे मैंने पहले उबाल लिया था, अभी ठंडा कर लिया, फिर छिलका निकाल लिया, फिर अब इसे हमें करना है मैश। यदि आप इसे गरम गरम आलू के छिलके निकालोगे, तुरंत मैश करोगे तो आलू में पानी होता है, फिर जैसे चाहिए वैसे स्टफिंग हमारा बनता नहीं है। आप इस तरीके से करोगे तो आलू में थोड़ा भी पानी होता नहीं, आप देख सकते हो। अभी हाथों से इसे मैश कर लेती हूँ। जैसे मैंने इसमें मैश किया, थोड़ा भी हाथों में पानी लगाने कुछ नहीं। यदि हम आलू को गरम गरम मैश कर लेते हैं तो आलू में ढेर सारा पानी होता है, फिर स्टफिंग अच्छा नहीं बनता है। तो एक बार ये तरीके से करके देखो दोस्तों, फिर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सही में आलू कैसे बनता है। ये एकदम अच्छी तरह से मैंने कम ही मैश किया, ज्यादा इसे मैश नहीं करना है। अब इसमें डालेंगे बाकी की सामग्री। अब यहाँ पे डालेंगे 3 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमने दरदरा कूट लिया है। अब यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच जितनी हल्दी, हल्दी के साथ ही हम डाल देते 1 चम्मच जितना घना जीरा पाउडर। अब यहाँ पे जाएगा 1/2 चम्मच जितना गर्म मसाला। अब यहाँ पे डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ धनिया। अब इसी के साथ ही हम डाल देते स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी सामग्री को मैं अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है। रेसिपी आपको ये कैसी लगी तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे सही में आप हमारे नए होंगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसे ज्यादा हमें मैश नहीं करना, हल्का हल्का मैश करना है, क्योंकि जो सामग्री यानी मसाले हमने डाले थे वो आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया आलू के साथ, देखो सारे मसाले परफेक्ट लग चुके हैं। अब इसे कर लेते हैं साइड और डो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा डो अच्छी तरह से सेट हो चुका है, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा। अभी यहाँ पे मैं इसे चॉपर पे ले लेती हूँ, और यहाँ पे हमने लेना है थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा ही लेना है, बस 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम। और डो को हमें अच्छी तरह से मसल लेना है, एकदम बढ़िया सा मसलना है, क्योंकि डो हमारा अच्छी तरह से मसलेगा तो हमारी टिक्की भी अच्छी बनेगी खाने में। अब यहाँ पे डो को हमने अच्छी तरह से मसल लिया, आप देख सकते हो बढ़िया सा। अब यहाँ पे चक्कू ले लेते हैं, चक्कू के सहायता से इसे
जिसे हम रोटी का डो कैसे लुई बनाते हैं इसे वैसे ही बनाना है। अब इसे मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ और एक लुई ले लेती हूँ और इसे इसे दबा लेती हूँ। और हाथों से यहाँ पे घी का आटा वगैरह हमें कुछ भी लगाना नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे ही बेलते जाना है। और रोटी हमारी थोड़ी पतली होती है ना, तो रोटी से थोड़ा हमें मोटा बेलना है और बिना घी का आटा लगा के हमें बेलना है, यानी सूखा आटा नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान देना है। तो इसे अच्छी तरह से बेल लेते हैं मोटी सी रोटी। अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने बेल लिया रोटी के, जैसे आप देख सकते हो हाँ थोड़ा मोटा बेलना है, पतला ना बेले इस बात का ध्यान देना है। इस तरीके से रोटी से थोड़ा हल्का मोटा बेलना है। अभी जो आलू की स्टफिंग हमने बनाकर रखी थी वो इसके ऊपर हमें फैला देना है, इस तरह पतला सा फैलाना है, मोटा सा ना फैलाए दोस्तों। जितना पतला फैलाओगे उतना ये खाने में एक नंबर लगता है। ये अभी इसे अच्छी तरह से आलू की स्टफिंग को फैला देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आलू की स्टफिंग को अच्छी तरह से फैला दिया है। अब यहाँ पे किनारे किनारे में आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से मैं आलू के स्टफिंग को फैलाना नहीं, थोड़ा आधा इंच की दूरी पे इसे छोड़ देना है, देख सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें रोलर कर लेना है और थोड़ा दबा दबा के करना है, थोड़ी भी इसमें हवा नहीं चाहिए, जब इसे हम फ्राई करेंगे तो खुले ना, इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ पे दबा दबा के इसे रोलर के कर लेना है, इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से करना है दोस्तों। अब इसे दो या तीन बार हमें इसे कर लेते हैं, यानी अच्छी तरह से चिपक भी जाएगा और निकलेगा भी नहीं फ्राई करते समय। तो यहाँ पे किनारों में पानी वगैरह कुछ भी लगाना नहीं, क्योंकि घी का आटे से हम बना रहे तो ये इजीली चिपक जाता है, ज्यादा समय लगता नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे कर लिया मैंने इस तरीके से, आप देख सकते हो। अभी ये जो पोर्शन दिख रहा है इसे मैं ऐसे दबा लेना हाथों से एकदम, ये जो नाश्ता होता है दोस्तों झटकेपट बनकर तैयार हो जाता है और हेल्दी भी रहता है और घर की सामग्री से बनकर तैयार हो जाता है। अभी इसे मैंने एक और बार दो या तीन बार कर लिया है। अभी हमें हम ले लेते हैं चक्कू, और चक्कू के सहायता से इसे हमें कट कर लेना है आधा आधा इंच की दूरी पे, इस तरीके से। तो यहाँ पे इजीली कट हो जाता है, चक्कू अच्छी तरह से शार्प चाहिए तो एकदम अच्छी तरह से कट होएगा। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट कट हो रहा है, ये देख सकते हो। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे साइज के हमने रोल बनाए हैं आलू के। अभी एक रोल बना के लेके बता देती हूँ, आप देख सकते हो बढ़िया सा। अब इसे दोनों हाथों से हल्के से हमें इसे दबा लेना है, बस ज्यादा नहीं, इस तरीके से। और एक लेके बता देती हूँ, अच्छी तरह से दबा लेना है, थोड़ा ही दबाना है, ज्यादा ना दबाए दोस्तों, नहीं तो भी ज्यादा दबाओगे फिर मजा आएगी नहीं खाने में ये टिक्की। तो इस तरीके से सारे रोल हम इसे बना लेते हैं सेम टू सेम आलू के। अब हमें सारे आलू के स्प्रिंग रोल बनकर तैयार कर लिया, आप देख सकते हो ढेर सारे। अब यहाँ पे जो आटे का घोल हमने बनाकर तैयार कर लिया था, आप देख सकते हो इसे एक बार चला लेंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर पानी रह जाता है आटा नीचे दब जाता है। अब इसे एक मिनट चला लेना है, देखो कितना गाढ़ा हो गया पहले से, क्योंकि सूजी यहाँ पे पानी पी लेते ना, इसलिए इस तरीके से गाढ़ा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। हाथों से एक जग मैंने ऑयल भी गर्म करने को रख लिया है। अब यहाँ पे एक रोल ले लेते हैं और इसके अंदर डिप कर लेते हैं, देख सकते हो इस तरीके से। इसका जो स्वाद होता है दोस्तों बहुत ही बढ़िया लगता है, और चमचे से निकाल लेते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑयल को अच्छी तरह से चेक भी कर लिया है। अब यहाँ पे एक स्प्रिंग रोल इसमें डालते जाना है, एकदम घर की सामग्री से झटके पर तैयार बनकर हो जाता है। आप कचौरी समोसा खा खा के बोर हो चुके थे, एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि दोस्तों ये कैसी बनी है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से सारे स्प्रिंग रोल यहाँ पे डाल देना है हमें। और यहाँ पे स्प्रिंग रोल डाल दिया, इसे भी टच कर लेते हैं, अच्छी तरह से इसे फ्राई करना, जब तक कि फ्राई करना जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। तो यहाँ पे ना ही सोडा वगैरह कुछ भी डालना नहीं, सिर्फ इसको ऐसे ही बनाना है और उसको बीच में उलट पुलट भी करते जाना है दोस्तों। और गर्मा गर्म ऑयल के ठंडा ऑयल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यदि ठंडा ऑयल होगा तो हमारे जो आलू की जो स्प्रिंग रोल परफेक्ट बनेगी नहीं, अंदर से कच्चा रहेगा। तो इस बात का ध्यान देना, गर्मा गर्म ऑयल में इसे फ्राई कर लेना है। ये किनारे का जो दिख रहा है मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो स्प्रिंग रोल आलू के बनकर तैयार हो चुके हैं और तेल के ऊपर आ भी चुके हैं। इससे समझ में आता है कि हमारे जो स्प्रिंग रोल हल्के फुलके बन गए और खाने में एकदम क्रिस्पी है। मैं आपको लेके बता देती हूँ, आप देख सकते हो वाव कलर कितना बढ़िया आ चुका है। ये यहाँ पे एक प्लेट ले लेती हूँ, एकदम बढ़िया सा इसका गोल्डन कलर आ चुका है और एक जैसे इसका कलर आ गया है, एकदम बढ़िया सा। अभी यहाँ पे मैं निकाल के बता देती हूँ, वाव है ना,
अचानक मेहमान आ जाए या कुछ नया खाने का मन हो तो ये रेसिपी आपने घर पे जरूर ट्राई करनी है और कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बतानी है। देख सकते हो तो क्यों ना फिर बाकी के सारे स्प्रिंग रोल ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। ये थोड़ा भी ऑयल पीता नहीं, जैसे ठंडा हो जाएगा थोड़ा भी ऑयल रहेगा नहीं, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो देखा ना दोस्तों हमने कैसे बना दे एक कप घेहूं के आटे का नाश्ता, एकदम बढ़िया कम सामान में और झट से बनाकर तैयार हो जाता है। मैं आपको एक लेके बता देती हूँ, ऑयल थोड़ा यानी थोड़ा भी नहीं, आप देख सकते हो बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से रूई जैसे सॉफ्ट है, एकदम करारापन आ चुका है। यहाँ पे हमने मिर्च और थोड़ा टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। अब यहाँ पे मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ, देख सकते हो वाव इजिली टूट रहा है एकदम इजिली। हाँ दोस्तों ये रेसिपी आपके घर पे जरूर बनाना है और हमें कमेंट करके जरूर बताना है कैसी बनी। आप एक बार बनाओगे ना तो कचौरी समोसा खाना भूल जाओगे, गारंटी के साथ हम बताते। हाँ दोस्तों चैनल पे आप नए होगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।